के कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी रीवा के सम्मानित प्रेस के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की यह प्रेस वार्ता एक विशेष मुद्दे को लेकर मैंने बुलाई है। अभी हाल में जैसा आप लोगों ने भी देखा है कि रीवा के माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सब के नेता और विंध्य के महान सपूत स्वर्गीय शिव श्रीनिवास तिवारी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद उन्होंने वह टिप्पणी को पुनः और खराब शब्दों में प्रकट किया। सबसे पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सांसद जी की माननीय, हम सब के नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, रीवा के एक बेहद ही संघर्षवान नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी की घोर निंदा करता हूं। उनकी इस टिप्पणी से एक विंध्य का नागरिक होने के नाते तो मुझे चोट पहुंची ही है। उनकी इस टिप्पणी से हर कांग्रेसी को चोट पहुंची है, हर कांग्रेस के व्यक्ति को चोट पहुंची है और उनकी इस टिप्पणी से मैं व्यक्तिगत भी आहत हुआ हूं। मैं तिवारी जी के इसने सानिध्य और उनके मार्गदर्शन का सौभाग्य से पात्र रहा हूं। मैंने उनको बेहद नजदीक से देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का सुबह उठने के बाद एक ही उद्देश्य होता था कि किसी जरूरतमंद की मदद करें। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी, ना तो चुनाव उद्देश्य होता है और ना कोई पद उद्देश्य होता है। बोला, राजनीति के माध्यम से अगर हम दिन में कम एक मजबूर और जरूरतमंद आदमी की मदद कर सकें तो हम ये मानेंगे हमारा दिन सार्थक हो गया। ऐसे विचारवान नेता का जिस तरीके से घटिया शब्दों का प्रयोग सांसद ने किया, उन्होंने एक सूक्ति का, एक उस समय के तिवारी जी के टाइम के जो एक प्रचलन था, उत्साही लोगों के द्वारा बोला जाता था कि दादा नहीं दऊ है, उसकी उन्होंने गंदे तरीके से आलोचना की। जिस तरीके से वो राजेंद्र शुक्ला जी के मंच पे बैठ के उनका गुणगान करते हैं, उनके चमचागिरी में बड़ी बड़ी बातें बोला करते हैं, उसी तरीके से किसी समर्थक ने उत्साह में वो बयान दे दिया होगा, उसमें क्या खिलाफ है। नारे तो ऐसे ही होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही जुमलों की पार्टी है, उसको कब से जुमलों से दिक्कत होने लगी। श्रीनिवास तिवारी के बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। जिस पुल के उद्घाटन में बैठकर वो बोल रहे थे कि श्रीनिवास तिवारी ने से गड्ढे नहीं पटाए गए, उस मंच का जो प्रमुख थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, तिवारी जी के विकास से ही बिहार का उन्नत पुल बना था और राजेंद्र शुक्ला जी के पिताजी ने बनाया था, कोई दूसरे आदमी ने नहीं बनाया था। रीवा में चाहे कृषि उपज मंडियों का जाल रहा हो, चाहे संजय गांधी जैसा अस्पताल रहा हो और चाहे कोठी कंपाउंड विकास परियोजना रही हो, जिसका आज तक कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी पूरी जमीनें बेच बेच के नहीं पैदा कर पाई, ये सब श्रीनिवास तिवारी की देन है। जब 1980 में श्रीनिवास तिवारी स्वास्थ्य मंत्री बने तो उनका प्रत्येक दिन रीवा के ग्रामीण क्षेत्र में एक नया पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने में जाता था। उस श्रीनिवास तिवारी की तुलना ये लोग कर रहे हैं। जब श्रीनिवास तिवारी नहीं रहे थे हमारे बीच में, जब उनका पार्थिव शरीर आया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता होड़ लगाए थे उसमें उपस्थित होने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता
सब उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने उसमें पुष्पांजलि के लिए आए थे, और तब ये सांसद भी थे। तब ये सांसद ने क्यों नहीं बोला उस दिन उनके बारे में टिप्पणी करते? ये वही सांसद हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले गंगेय जनपद के द्वारा आयोजित त्यूनी में एक पार्क का उद्घाटन किया है, और उस पार्क का नाम है श्री श्रीनिवास तिवारी पार्क। और उस दिन ये आदमी उनकी स्तुति गा रहे थे। ये तो साथियों हम कांग्रेसियों का चरित्र है कि हम किसी के लिए अभद्र भाषा नहीं बोलते, और नहीं तो अभद्र भाषा बोलने में कोई डिग्री नहीं लगती, कोई पीएचडी नहीं होती, हर आदमी को आती, पर उसके संस्कार उसको इस बात की अनुमति नहीं देते। मुझे तो दुख और अफसोस इस बात का है कि श्री श्रीनिवास तिवारी का नाम लेकर राजनीति करने वाले, उनकी पुण्यतिथि और उनके जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले, और उनके नाम पर वोट और राजनीतिक ताकत बटोरने वाले लोगों को लोग खुल के नहीं आ रहे। उनको सामने आना चाहिए और कड़ा जवाब देना चाहिए सांसद को। रीवा की जनता श्री श्रीनिवास तिवारी के साथ है और श्री श्रीनिवास तिवारी के साथ रहेगी। यही रीवा के सांसद, आप इन्हें ये मत समझिए कि सांसद मूर्ख हैं। ये सांसद मूर्ख नहीं है, ये बहुत होशियार है। ये कोई काम तो करते नहीं, तो ये चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। इनका नाम लेता, संसद के सदन खत्म हो गए कि इन्होंने कुछ बात तो की नहीं वहां। ये रीवा के बारे में कुछ बोलने लायक तो थे नहीं, तो करें क्या? तो आके ऐसे अंडबंड बयान देके और ये चर्चा में बने रहने चाहिए। वो मंच राजेंद्र शुक्ला जी का था। सांसद जैसे अभद्र व्यक्ति से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो सार्वजनिक माफी मांगेंगे, पर मैं राजेंद्र शुक्ला जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और भद्र इंसान है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये उनका मंच है, और उनके मंच पे अगर श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ कोई खराब टिप्पणी की गई है तो राजेंद्र शुक्ला जी इसकी सार्वजनिक माफी मांगे। वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और विंध की तमाम जिम्मेदारियों के साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी एक और है कि विंध की विरासत और धरोहरों की रक्षा करें। और विरासत और धरोहर केवल कंक्रीट और ईंटे की नहीं होती, विरासत और धरोहर इंसानों की भी होती है, महान पुरुषों की भी होती है, महान आत्माओं की भी होती है। विंध में जहां अर्जुन सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह, फुलशेर अहमद जैसे बड़े बड़े व्यक्तित्व के नेताओं को विंध ने पल्लवित किया, उसी कड़ी में श्रीनिवास तिवारी थे। अगर आज श्रीनिवास तिवारी की शक्ति नहीं होती, अगर श्रीनिवास तिवारी की राजनीतिक शक्ति नहीं होती, तो उनके तीसरी पीढ़ी वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी गोदी में लेके नहीं जाती टिकट देने के लिए। ये श्रीनिवास तिवारी की राजनीतिक शक्ति थी जिसके कारण उनकी तीसरी पीढ़ी को विंध में लगातार राजनीतिक नेतृत्व का अवसर मिला। मैं श्री श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ की गई इस अभद्र टिप्पणी से व्यक्तिगत आहत। जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि कल हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां सारी पूरी रीवा जिले में सांसद की इस अभद्र टिप्पणी के विरोध प्रदर्शन करेंगी और सांसद का पुतला दहन करेंगी। ये यहां समाप्त नहीं होने वाला। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री 17 तारीख को रीवा के प्रवास पे आ रहे हैं, 17 सितंबर, जिसे दादा के जन्मदिन के रूप में उनके ना रहने के बाद भी लोगों ने मनाया। और अगर उस दिन वो आते हैं और उस जन्मदिन के कार्यक्रम में त्योंथर में से सम्मिलित होते हैं, तो मैं त्योंथर के सारे कांग्रेस जनों से, श्रीनिवास तिवारी के मानने वाले लोगों से, जिले भर के ये अपील करता हूं कि वहां जाकर इसका विरोध करें और सांसद के बयान की चर्चा करें। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये बात आनी चाहिए कि किस तरीके से एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मंच से, और श्रीनिवास तिवारी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष विधान का, सदन का सर्वोच्च पद होता है।
वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर का पद होता है। उस सर्वोच्च पद पे आसीन व्यक्ति की मृत्यु उपरांत लगातार घृणित बात बोलकर ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को प्रदर्शित करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमेशा साथियों में बोलता आया हूं कि इनके दो चेहरे हैं, एक तरफ गांधी की उस पे जाते हैं समाधि स्थल पे, और दूसरी तरफ गांधी के खिलाफ भी बात करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, यही उसका चरित्र है कि एक तरफ तो वो तिवारी जी के साथ भी सिद्धार्थ के रूप में खड़े होना चाहती है और दूसरी तरफ वो उनको बुरा भला बोलने से भी चुप नहीं रहती कि ये जो विंध का अपमान किया है सांसद ने, इसका मुंह तोड़ जवाब हमको सांसद को देना है। ये जो बयान देके वो फुर्सत हो गए हैं, अब ये बयान उनको प्रत्येक दिन याद आएगा। हर दिन सांसद को ये बात याद दिलाई जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने विंध का और विंध की विभूति का अपमान किया। हमारे लिए हमारे विंध के नेता किसी भी दल के, हम यहाँ यमुना प्रसाद शास्त्री का नाम बड़े गर्व से ले रहे हैं। यमुना प्रसाद शास्त्री कभी हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे, पर हम उनका नाम गर्व से लेते हैं क्योंकि वो विंध की विभूति हैं। श्रीनिवास तिवारी विंध की विभूति थे, उनके नाम पर गोष्ठियों का आयोजन, उनके जन्मदिन के कार्यक्रम करना या उनकी पुण्यतिथि मनाना भर उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनके उनके कामों का जो प्रतिफल हम दे रहे हैं। और सांसद जी को तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने रीवा की सड़कों में भी गड्ढे भी देखे। यहाँ के जो फ्लाईओवर बन रहे हैं वो बनने के 2 महीने बाद उनमें गड्ढे हो जाते हैं, और जो अभी बना फिर उसमें भी हो जाएंगे जिसके लोकार्पण में वो खड़े थे। मैंने विकास खूब देखा है, पर मैं आज उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता और आपको भी नहीं भटकाना चाहता। मैं तो कहता हूँ कि दादा नहीं दऊ है, मर गए दऊ है, तब भी आज उसकी चर्चा हम भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर सारे लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि रीवा के किसी नुक्कड़ में, किसी चौराहे में, किसी गली में श्रीनिवास तिवारी की चर्चा ना हो। ये अपने आप में एक महान व्यक्तित्व की निशानी है कि आज 6 वर्ष बाद भी उनके नाम की चर्चा हो रही है। मैं, आप और हमारे आने वाली पीढ़ी कई एक लोग आगे रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सांसद जी दीर्घायु स्वस्थ रहें। पर जीवन का अंतिम सत्य तो सबके जीवन में आता है, उसके बाद कौन किसको कितना याद रखता है ये भी हम आगे आने वाला भविष्य बताएगा। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि तिवारी जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई उससे हम सब आहत हैं और मन से दुखी। आप सभी लोग आए, आपने में भी मान सम्मान की एक भाषा होती है और एक भाषा होती है जिसको हम सब समझते हैं कि दादा एक गड्ढा नहीं पाट पाइस, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की। तमाम राजनीतिक समर्थक श्रीनिवास तिवारी के थे, अभी भी है, अन्य दलों में भले हो कोई कुछ नहीं बोल रहा। यही तो दुख की बात है। वो लोग जो सिर के बाल से लेकर और पांव के नाखून तक तिवारी जी के एहसानों में दबे लोग, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए और सत्ता के लालच में और सत्ता के लाभ के लिए आज उनकी हिम्मत नहीं है कि इसका बयान दे सके वो वहाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ऐसे नेता हैं जो पार्टी में रहकर प्रधानमंत्री तक के खिलाफ बात करते, आप यहाँ खुल के नहीं बोल सकते। आपने जो भाषा की जिक्र किया, ये सांसद जी देखिए तीसरी बार सांसद है, ये भाग्य की बात है कि धर्म के आधार पे राष्ट्रवाद की बात करके और एक आंधी आई देश में सोशल मीडिया के जरिए, और जिसने देश के अंदर बहुत को प्रचार किया। और भारतीय जनता पार्टी जिसके कभी यहाँ 2 सांसद आया करते थे, वो बताऊँ ये एकमात्र ऐसे सरपंच होंगे उन गिने चुने सरपंचों में जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ था और ये हटा दिए गए थे। तो ये सांसद जी कितने योग्य हैं ये हमको मालूम है, पर जनता
तिवारी जी कहा करते थे कि जनता तो जनार्दन, और जनार्दन ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर जिस पे कृपा कर दे। पर सांसद जी कोई बयान शोभा नहीं देता, और मैं उनसे तो उम्मीद ही नहीं करता कि वो कुछ कहेंगे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ राजेंद्र शुक्ला जी से कि राजेंद्र शुक्ला जी के मंच से चर्चा हुई है, उनको अपने मंच की ओर से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो उस मंच पे खड़े हुए थे और जो कभी तिवारी जी के हुआ करते थे, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ उस मंच पे, उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए। धन्यवाद। और कोई प्रश्न?